तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.5, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब आपका सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट को, ओके okay? और आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल को आपका हम लोग बोलते हैं ग्राउंड लेवल। तो इसका अगर ये -3.4 क्या रहता है, हम लोग जो बोलते हैं वो टोटल एनर्जी है, ओके टोटल एनर्जी -3.4 है। तो काइनेटिक क्या होगा, काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, या तो आप बोल सकते हो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, कितना आपका -3.4, तो आपका 3.4 हो रही काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपका पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर वन वुड द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन Li2+ आयन टू बी एमिटेड फ्रॉम N2 स्टेट, ओके N2 स्टेट से आपको निकालना है, गिवन दैट ग्राउंड स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6। तो यहाँ पे बोला है इन लोग ने N2 स्टेट से, लिथियम के N2 स्टेट से हमें इन्फिनिटी पे लेके जाना है, तो हमें डेल्टा ई निकालना पड़ेगा। डेल्टा ई क्या होता है, E2 - C1। E2 क्या हो गया आपका इन्फिनिटी, E1 हो गया आपका N2 लेवल, ओके E2 हो जाएगा 0, ये माइनस एंड माइनस ऑफ माइनस माइनस ऑफ आर क्या आ जाएगा, -13.6 Z2/N2, जो कि एनर्जी 1 का लेवल का होता है, इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 Z2 क्या है, मतलब इसका Z लिथियम का Z होगा आपका 3 का स्क्वायर, और आपका हाइट N का क्या दिया है सेकेंड स्टेट मतलब 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/4 × 13.6। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 13.6, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। द बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम N=1 इज 0.53, मतलब हम 0.529 लेते हैं, इन्होंने 530 बोल दिया, ओके द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N=2 इन आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो R=0.530, जो उन लोग ने वैल्यू दिया वही ले लो, N² बाई Z रेडियस का फॉर्मूला N² बाई Z है, तो यहाँ पे N² बाई Z आ जाएगा, तो 0.53 × ये एंगस्ट्रॉम में आएगा ऑब्वियसली, 529 का यहाँ पे N² क्या आ जाता है, यहाँ पे N आ जाएगा आपका, क्योंकि हमें सेकेंड शीट का पूछा है सेकेंड का स्क्वायर, Z आपका 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का पूछा है, ओके तो 4 × 0.53, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा, तो 2 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो D वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ, हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके ज़्यादा सिमिलर होगा, जो कभी भी एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रम टू बी सिमिलर ऐसा क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए दोनों स्पीशीज में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम प्लस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें आ जाएगा ऑब्वियसली, ओके। नाउ इफ आर इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट देन रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अगेन रेडियस का फॉर्मूला इज 0.529 × N² बाई Z, ओके इसका वैल्यू दिया हमें आर, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का R1, आर एन का क्या हो जाएगा 0.529 upon N² बाई Z, ये इसका 1 हो जाएगा क्या ये वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट बोले तो N1 हो जाएगा, इसमें nth पूछा है, Z से Z कैंसिल, 0.529 कैंसिल, R1 बाई Rn इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई N², ओके Rn, तो हमें क्या पूछा है nth ऑर्बिट का ना, तो Rn वुड बी R, जो हमें फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इज R, तो सिर्फ R लिख देते इधर R × N² Rn² हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ लिथियम प्लस इन द सिमिलर स्टेट इज, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, देखो 0.539 रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है 0.53 × N² कौन सा रेडियस पूछा है हमें एटॉमिक नंबर, द रेडियस ऑफ सेम स्टेट में पूछा तो ग्राउंड स्टेट इसका पूछा, तो n हो जाएगा इसका 1, z कितना हो जाएगा इसका, z वुड बी 3, तो 0.53/3 हो जाएगा, तो 0.5 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 बचा 3 7 ज़ा, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.17 दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ए वुड बी अगेन द करेक्ट आंसर। द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6, देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम एटम वुड बी, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल रहता तो सिर्फ ई रहता था, इधर पोटेंशियल एनर्जी है इसीलिए ई भी दिया है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना है मल्टीप्लाई बाय इसका जेड स्क्वायर, इसका जेड स्क्वायर कितना है, जेड इस हीलियम का जेड इज 2, उसका करोगे तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, 13.6 × 4, 13.4 से अप्रॉक्सीमेटली 52 होता है, क्योंकि 0.6 है तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो अगेन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 54.4 EV, ओके। नेक्स्ट क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, 13.6 होता है और नीचे n स्क्वायर होता है,
हाइड्रोजन बोला है तो इसलिए जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, हाइड्रोजन का जेड वन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द अगेन करेक्ट आंसर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर है अभी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एनर्जी इनटू टाइम इज ग्रेटर देन एच बाय फोर पाई। देखो एक्चुअल में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, हमें पता है, ओके मास एंड वेलोसिटी, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें सबसे गलत स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड बी इनकरेक्ट कि दोनों ही सेकंड ऑर्बिट है 2s 2p, तो दोनों का सेम ही एनर्जी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 0.66 kg बॉल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, एसोसिएटेड वेवलेंथ इज, देखो ये एसोसिएटेड वेवलेंथ किसका पूछा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच क्या है आपका 6.6 × 10⁻³⁰, जो गिवन है वही लिखो, पी कितना है आपका मास, मास इज 0.66 × kg में दिया है और ये मीटर पर सेकेंड, तो वैसे ही रख दो 100, तो यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6.6 आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³⁰, ये ऊपर चलेगा तो 10⁻³⁵ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 × 10⁻³⁵। तो देखो इन लोगों ने करेक्ट मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए इक्वल वैल्यूज भी दिए। अगेन द सेम क्वेश्चन वॉज रिपीटेड इन 2000 मेंस एंड 2000 प्री, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा 1 × 10⁻³⁵, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजीशन इफ एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इक्वल्स टू 1 × 10⁻³⁰ cm, द अनसर्टेनिटी इन द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटीज, देखो ये स्टेटमेंट समझना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन पोजीशन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इफ एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो आपका क्या है, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, ओके, तो डेल एक्स इक्वल टू एम डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल एक्स कितना दिया है, 1 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, और आपका एम कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻²⁸ ग्राम्स, तो वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, तो यहाँ पे 1/9 हो जाएगा और ये 10⁻¹⁰ हो जाएगा ऊपर जाके, ओके, तो 10⁻¹⁰ कहाँ दिख रहा है, हाँ 1/9 करेगा तो आपको 1.1 आ जाएगा कुछ, तो इसको हम लोग 10⁻⁹ कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी बोल दिया यहाँ पे वापस, तो देखते हैं ऑप्शंस कैसे दिए हैं, ओके, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, हमें एम दिख रहा है, पाई दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उठाते हैं क्योंकि मुझे 4π के साथ दिख रहा है, क्योंकि इसको मैं अंदर लूंगा तो 4 हो जाएगा, तो 4π दिख रहा है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाय 4π, हो गया ये, हो गया, तो अभी हमें पता है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से डेल्टा पी का स्क्वायर कर देता हूँ इसको, ओके, फिर डेल्टा पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाय 4π, फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी पूछा है ना हमें, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या दिया है क्वेश्चन में, वेट अ मिनट, यहाँ पे पूछा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी पूछा है, तो ओके, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू एच बाय 4π m², तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा आपका, मैं अगर अंडर रूट लूँ 1/m, 2 बाहर आ जाएगा, एच बाय पाई वुड बी आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, बाहर 1/2m, एक ही में दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, ये तो हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इतना दिया है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा है और डिस्टेंस का दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाय 4π, अभी इस एच बाय 4π का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, एच बाय 4π इज 10⁻⁶⁵, 5 × 10⁻⁶⁵, तो डेल्टा पी के जगह पे हम लोग मास इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं, उसमें से हमें मास इधर लेके आना है, 5 × 10⁻⁶⁵, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0.1 × 10⁻⁻⁰, और आपका 9.1 × 10⁻⁻⁶⁵, ओके, तो अभी हम लोग इसको ये करते हैं, देखो यहाँ से ये चला जाएगा तो हो जाएगा ऊपर -4 हो जाएगा, 10⁻⁴ बचेगा, तो 5 × ये ऊपर चलेगा तो 10⁻⁶ बचेगा, फिर 0.1 × 9.1 बचाइए, ए जीरो से ये गया, इसको मैं 9 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको 0.1 से इधर 50 हो गया, तो 50/9 करेंगे तो हम लोग 50 / 9, ओके,
50 डिवाइड बाय 9 करोगे तो 9 5 45, वापस 5 बचेगा तो पॉइंट डालोगे तो 5.5.5.5, क्योंकि हम लोग ने अप्रॉक्सीमेशन किया क्योंकि इसके जगह भी 5.0 समथिंग कुछ आता है, तो इसका देखो हम लोग को सेम दिया चार होगा 5.8 5.8 5.8 दिया, खाली हमें पावर देखना है, तो 5.6 10 to 6 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है. ओके, द पोजिशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ हीलियम एटम इज नोन विद इन 1 नैनोमीटर. Further, the momentum of electron is known within this much. The minimum uncertainty in the measurement of momentum of helium atom would be. Okay. देखो इन लोगों ने क्या बोल दिया, देखो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई होता है. ओके, क्योंकि दोनों का ही एच बाई 4 पाई होगा. ओके, एच बाई 4 पाई दोनों का ही होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि ये राइट हैंड साइड तो सेम ही है ना, एच बाई 4 पाई इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये तो सेम ही होगा. तो डेल्टा एक्स दोनों का ही ये है, तो दोनों का डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा. डेल्टा पाई क्या हो जाएगा, मास इंटू डेल्टा वी कितना है ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर मैं इस साइड इलेक्ट्रॉन का लिखूँ, इस साइड हीलियम का लिखूँ, तो इसने बोला है कि डेल्टा एक्स तो खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमें कितना पता है, डायरेक्ट मोमेंटम दे दे तो 5 × 10⁻²⁶ इज इक्वल टू, इसका आपको मोमेंटम ढूंढना है, तो ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम भी सेम आ जाएगा. ये तो लॉजिक की बात है, बट हम लोग ने प्रूफ भी कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी है. द मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल हैविंग अ डी ब्रॉकली वेवलेंथ 10⁻¹⁷ इज, मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो पी हो जाएगा एच बाई लैम्डा. एच हमें कितना है 6.625 × 10⁻¹⁴, लैम्डा कितना दिया है आपका 10⁻¹⁷ मीटर्स में दिया है, तो 6.625 ये ऊपर जाएगा तो +17 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻¹⁷ ही बचेगा. तो कहाँ दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस मच इज दिस मच, अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन वेयर विल बी. अच्छा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन निकालना है. इन लोगों ने दिया है वेलोसिटी इतना मूव कर रहा है बट एक्यूरेसी इतने तक है. अच्छा क्वेश्चन है ये, तो एच का हमें दिया है अर्क्स पर सेकेंड में. ओके, देखते हैं. देखो यहाँ पे उन लोग ने बोला है अनसर्टेनिटी एक्यूरेट अप टू 0.01%, 0.001/100 इतना एक्यूरेट है 3 × 10⁴ तक. तो अगर ये 10⁴ यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, एक एक दो तीन जीरो हो जाएंगे, तो एक जीरो बचेगा, एक से एक कैंसिल, तो 0.3 वुड बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आपका ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक्यूरेसी खाली 0.001% तक है, तो इतना एक्चुअल वैल्यू है, बट इसका एक्यूरेसी है क्या, एक्यूरेसी एक्चुअली में डेल्टा वी इज दिस मच. अभी कुछ है ही नहीं फॉर्मूले में, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, और क्या पूछा है इलेक्ट्रॉन ना, तो एम डेल्टा वी कर दोगे इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई. एच बाई 4 पाई का वैल्यू क्या रखोगे, 5 × 10⁻¹⁵. तो वेलोसिटी निकालना है क्या, डेल्टा एक्स निकालना है, तो बाकी सभी इधर लेके आ जाओ, 5 × 10⁻¹⁵. मास होता है 9 × 10⁻¹⁶. और आपको क्या दिया है, एच का वैल्यू तो छोड़ दो, मास कितना दिया है आपको, एच बाई 4 पाई हो गया, मास आ गया, वेलोसिटी इज 0.3. तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो हट के यहाँ आ गया, ये पूरा कट के आ जाएगा यहाँ पे -4, तो 50 × 10⁻⁴/9 × 3 बचा, ये आ जाएगा आपका 5.5, ऊपर हम लोग ने कैलकुलेट किया था. इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 1 = 1, फिर 8 आ जाएगा, फिर 3 तो 1.83 हो जाएगा ये कुछ, और यहाँ पे -4 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर्स में आ जाना चाहिए 1.83, उसके आगे पीछे का आंसर यही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन ई विथ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज जेड ई सर्कुलर ऑर्बिट आर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज जेड ई स्क्वायर बाय आर. तो यहाँ कहाँ दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव अगेन, तो -ZE² / R, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. Which of the following statement do not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? Energy of electron in a orbit are quantized. Yes, correct है. देखते हैं, electron in a orbit nearest to the nucleus has the lowest energy. Okay. Electron revolves in different orbits around the nucleus. Correct. The position and velocity of electron in a orbit cannot be determined simultaneously. ये भी correct है. But देखो, ये Bohr's model का equation है क्या? ये statement तो true है, but Bohr's model का है क्या? नहीं. It is of deep it is Heisenberg's uncertainty principle. तो ये बोहर्स मॉडल का कुछ पार्ट नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिट नियरेस्ट हैज द लोएस्ट एनर्जी, क्योंकि सो -30, देखो फर्स्ट ऑर्बिट का -13.6 है और इसका लास्ट का समझो आप -3.4 है, या तो इनफिनिट का 0 है, तो जितना पास है वो नेगेटिव है ना, तो लोएस्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, बट द स्टेटमेंट इज करेक्ट बट इट्स नॉट रिलेटेड टू बोहर्स मॉडल, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा. ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग वाला चैप्टर है, उसमें पूछे भी जाते हैं बहुत क्वेश्चन. देखो इन लोग ने क्या बोला है, 4D, 5P, 5F, 6P ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा पहले आना चाहिए. अभी डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिए हमें N+L रूल लगाना पड़ेगा, N+L रूल.
क्या बोलता है ये, एन प्लस एल जिसका ज़्यादा रहेगा उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा. नाउ हमें कौन से ऑर्बिटल दिए, 4d, 5p, 5f एंड 6p. 4 ये तो n हो गया, d का क्या होता है, अगर आपको l नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ s p d f का, ये 0, 1, 2, 3 ये l का वैल्यू होता है. इसमें 4 प्लस 0 4 आ गया आपका. ओके वेट, ये s थोड़ी ना, ये d है ना, 4 प्लस 2 6 आ गया, सॉरी 5p, 5 तो आ जाएगा, ये p का 1 आएगा 6, फिर 5f, तो 5 प्लस f का 3 तो ये हो गया 8, 6p, 6 का 6 आ गया और p का 1 तो ये 7. सबसे पहला आंसर 5f, ओके उसके बाद आएगा 6p, ओके इन दोनों में तो साफ साफ दिख रहा है नंबर बड़े छोटे दिख रहे हैं, बट दोनों इस केस में दोनों ही 6 है, तो इसमें क्या होगा, जिसका n बड़ा वो ज़्यादा होगा, तो 5p बड़ा हो जाएगा फिर 4d आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है ऐसा, 5f मुझे दिख रहा है डायरेक्टली, 5f 6p 5p 4d, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर देखो n प्लस एल रूल लगाना है, n प्लस एल रूल क्या बोलता है, जिसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है वो सबसे पहले, उसका एनर्जी ज़्यादा है तो सबसे पहले वो आ जाएगा. बट अगर n प्लस एल दोनों सेम आ गया तो n जिसका बड़ा है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा.